खरगोन जिले के डोंगरगांव में पुल के नीचे गिरी बस के मामले में अब तक 24 लोगों के मरने की बात सामने आई है। इसी बीच घायलों का हाल जानने मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कसरावत विधायक सचिन यादव अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देकर मृत परिवारों के लिए शोक संवेदना व्यक्त की। बताया जा रहा है दुखद घटना की खबर सुनकर देश भर में हड़कंप मच गया। इस दौरान सचिन यादव ने बताया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए समय समय पर वाहनों की चेकिंग जरूरी, इस और शासन प्रशासन ने विशेष तौर पर अभियान चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मृतक परिवारों को उचित मुआवजा राशि के अलावा परिवार को एक व्यक्ति की शासकीय नौकरी दिलाने की सरकार से गुजारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आप मौके पे पहुंचे, घायलों को भी की मुलाकात भी हुई, परिजनों से बातचीत हुई, दुखद हादसा, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग है? निश्चित तौर जैसे भी कल सुबह की पहली दुखद घटना ये सामने आई, हम मौके पे भी गए, परिजनों से मिले, घायलों को हम अपनी गाड़ी से लाके यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के लिए सभी डॉक्टरों से और उचित इलाज की बात कही। और ये घटना जो है हमारे ज़िले के मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी घटना, दुखद घटना है। ये ऐसी घटनाओं आगे न हो, शासन प्रशासन इस पर लगातार मॉनिटरिंग करे, न कि केवल दुर्घटना घटे और उस दो चार दिन औपचारिकता खाना पूर्ति करें। ओवरलोडिंग को लेकर कार्रवाई तो चल रही है, ये निश्चित तौर पे हमेशा होती रहना चाहिए। ओवरलोडिंग का जो मामला है पुलिस का भी है, पुलिस के थानों के सामने से ये गाड़ियाँ निकलती है, उनको भी लगातार देखना चाहिए। RTO या एक ही विभाग उस पर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, दोनों पुलिस को भी, क्योंकि उनके थाने के सामने से गुजरती है गाड़ियाँ। अभी जो कार्रवाई हुई वो खाना पूर्ति क्या मानते हैं? अभी जो कार्रवाई हुई में और ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए, जो औपचारिकता हुई है लेकिन और लंबी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक वाले रोज मोटरसाइकिलों के जो चालान बनाते हैं ऐसे उनके सामने से गाड़ियाँ गुजरती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए जल कल जो घटना घटी है बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायी घटना है, दर्दनाक घटना है। और इस घटना में अभी तक हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है लगभग 24 लोगों की मृत्यु हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। आज हम और हमारे तमाम साथी, हमारे विधायक साथी आदरणीय केदार भाई और हम सब लोग यहाँ पर जिला अस्पताल में जो मरीज हैं, घायल हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने शासन प्रशासन को निर्देश दिए, डॉक्टर्स को निर्देश दिए कि उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और वो जल्द यहाँ से स्वस्थ होकर के अपने घर लौटें, ये हम लोग कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जो मृत परिजन हैं उन मृत परिजनों को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, उनको संबल प्रदान करें, ये हम लोग कामना और प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम लोग शासन प्रशासन और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो मृत परिवार हैं उन मृत परिवारों को उचित मुआवजा भी मिले और साथ ही साथ उनके परिजनों, उनके परिवार में से किसी को एक सरकारी नौकरी मिले, ये हम लोग की सभी साथियों की मांग है। बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायी घटना घटी है जिसमें लगभग 24 से अधिक मृत हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हम आज जो व्यक्ति या जिनके उपचार रहते हैं, जो अस्वस्थ हैं, जो घायल लोग हैं, आज हम उनको यहाँ पर देखने के लिए आए हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों और जो मृत परिवार है उन मृत परिवारों को भगवान उनको ये जो दुख उनके ऊपर आया है ये दुख सहन करने की उनको शक्ति प्रदान करें और मृत परिवारों को भगवान उनको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ये संबल भगवान प्रदान करें। लगातार हादसे हो रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार की जब घटनाएं घटती हैं तो हादसे होते हैं तो बहुत पीड़ादायक होते हैं, दुखदायी होते हैं और निश्चित रूप से इसमें शासन को संज्ञान देना चाहिए और ऐसे घटना ऐसे हादसे ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये शासन को। ग्रामीणों का कहना है कि तेज गति को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई है मगर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बड़ी दुर्घटना हुई। लेकिन निश्चित रूप से ये समय समय पर इसको लेकर के एक जागरूकता अभियान भी होना चाहिए और साथ ही साथ
शासन प्रशासन इस चीज़ को इंश्योर करे कि ये जो ज़्यादा गति के कारण, अधिक स्पीड के कारण, जो लापरवाही के कारण अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, उस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेकर के कार्रवाई भी होनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसी इसकी पुनरुत्ति ना हो, इसको भी सरकार को ध्यान। ये सरकार से क्या मांग करते हैं? ये सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो मृत परिवार है उनको शासन जो है उचित मुआवजा उनको दें, उन परिवारों को उचित मुआवजा दें और साथ ही साथ उनको सरकारी नौकरी उनको मिले, ये हमारी मांग है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।